तो हेलो गेमर, कैसे हो आप सब लोग। आपके लिए मैं लेके आया हूँ फिर से पुलिस ऑफिसर का अगला पार्ट। तो आपने पिछले पार्ट में देखा कि म्यूटेंट वगैरह और वो जितने भी विलेन थे वो सब के सब इस गुफा के अंदर आकर छुप गए थे, लेकिन रुपे हीरो हमारा जो पुलिस ऑफिसर है ना वो उसे नहीं पकड़ पाया था यार। तो अभी देखो कि पूरी रात भर हो गई। हाँ, ये कार के अंदर जो ऑफिसर बैठा है ना, इसको पूरी रात भर हो गई निगरानी करते हुए। इसके आंखों के सामने वो अभी तक नहीं गए। इसका मतलब है कि वो अभी भी इस गुफा के अंदर ही है। तो अभी मैं और भी पुलिस ऑफिसर को बुलाने वाला हूँ कि ताकि वो यहाँ से बच कर बिल्कुल भी नहीं जा सके। यार ये देखो भाई साहब, और भी पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं और अभी तक स्पेशल फोर्स का आना बाकी है। अगर स्पेशल फोर्स आ गए तो वो इसकी अच्छे से जांच पड़ताल करेगी। ये देखो पुलिस ऑफिसर की और भी गाड़ियां आ रही है। तो गेमर, ये पुलिस ऑफिसर आए हैं ना, इनको मैं अंदर लेके चलता हूँ कि इनको बताना तो पड़ेगा ना कि वो कहाँ पर रहते थे और कहाँ पर क्या करते थे। तो आइए मेरे पीछे पीछे आइए। हाँ, इस गाड़ी को लेकर मेरे पीछे पीछे आइए। मैं आपको बता देता हूँ कि गुफा अंदर से कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी नहीं है, और गुफा के अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है और क्या क्या सामान नहीं रखा हुआ। तो आप देख रहे हो ना, सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ये जितने भी ये घर वगैरह है ना जो बड़े बड़े हैं यार, इसके अंदर पता नहीं वो कैसे रहते थे। हाँ, आप अंदर जाकर आराम से देख सकते हो, यहाँ पर तो वो नहीं छुपे हुए, मेरे को पता है वो नदी के अंदर ही है। तो गेमर, अभी मेरे को मशीन मंगानी पड़ेगी और इस गुफा के अंदर ये जितना भी पानी भरा हुआ है ना, इसको बाहर निकलाना पड़ेगा ताकि वो पूरा पानी तो बाहर आ जाएगा और म्यूटेंट वगैरह मेरे को आराम से दिख जाएंगे। ये देखो भाई साहब, ये पुलिस ऑफिसर उसको निगरानी कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से निगरानी कर रहा है। वो अगर थोड़ा बहुत ही दिखे ना तो ये पुलिस ऑफिसर ने गोली चला देगा, ये पुलिस ऑफिसर ये गोली निकाल देगा उनके ऊपर। लेकिन यार इतना काफी नहीं है यार, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। आपको पता है ना वो कितना ताकतवर है यार। मेरे को तोप वगैरह हर चीज मंगानी पड़ेगी। अब मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ भाई साहब, म्यूटेंट वगैरह तुम जितने भी विलेन हो बाहर निकल जाओ, नहीं तुम्हारी खैर नहीं है। अब तो मारे जाओगे। इसकी भैंस की, अगर रुपए इन्होंने ये पूरा पानी बाहर निकाल लिया तो मेरे को वो आराम से पकड़ लेगा, जो कि पानी तो खत्म हो जाएगा। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरे को मेरे दोस्त को बुलाना पड़ेगा। तूफान, मेरी रक्षा करो, जल्दी आओ तूफान, मेरे को बचा लो। अरे यार ये सब क्या हो गया, मेरे कपड़ों के इतनी मिट्टी कहाँ से लग गई और हमारी सभी गाड़ियों पे ये धूल कैसे जमा हो गई? मेरे को फटाफट बाहर जाके देखना पड़ेगा कि बाहर क्या हो रहा है। शायद म्यूटेंट को बचाने के लिए कोई राक्षस आ गया। अगर कोई राक्षस आ गया तो हमको वो जिंदा नगल जाएगा। तो मेरे को फटाफट बाहर जाके देखना पड़ेगा। अरे यार वॉइस टाउन में मैंने ऐसा नजारा पहले कभी भी नहीं देखा यार। इतना खराब मौसम तो वॉइस टाउन में कभी होता ही नहीं है। क्या वॉइस टाउन पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा? क्या वॉइस टाउन बर्बाद हो जाएगा या फिर वॉइस टाउन में कोई बाढ़ आने वाली है? यार खतरनाक, मेरे को फटाफट से यार लोगों को बचाना पड़ेगा। अगर कोई बाढ़ आ गई तो लोग तो पूरे मारे जाएंगे और सभी पुलिस वाले और सभी फौजी भी मारे जाएंगे। तो मेरे को फटाफट से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके मेरे को अपने घर पे जाना पड़ेगा और टिप्सन दादा को भी बताना पड़ेगा कि यार ये तब क्या हो गया, मैंने तो पहले ऐसा कभी नजारा देखा ही नहीं। ओ भाई साहब यार, तूफान देखो कितना खतरनाक आ रहा है। आप इसकी आवाज सुन सकते हो क्या यार? वॉइस टोन में पहले तो ऐसे कभी भी नहीं हुआ। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि उन सभी विलेन को बचाने के लिए कोई राक्षस इस वॉइस टोन में आ गया है। वो राक्षस मेरे को पता नहीं वो राक्षस कौन सा है, वो मेरे को दिख भी नहीं रहा यार। केवल मेरे को तो ये अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। तो गेमर, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करोगे इस लकी इंजीनियर चैनल के सदस्य बन जाओगे, जो कि एक बेहतरीन बात है। तो गेमर फटाफट चलते हैं टिप्सन दादा के पास में और देखते हैं कि क्या हाल है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वॉइस टाउन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर तूफान आया ना तो यार सारे के सारे घर नष्ट हो जाएंगे, सारे के सारे घर डूब जाएंगे उस पानी के अंदर। यार मैं क्या करूँ? अभी टिप्सन दादा का घर आ गया और टिप्सन दादा से पूछता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है यार। तो फटाफट मैं नीचे उतरता हूँ और ये देखो भाई साहब, मेरे पीछे पीछे पुलिस वाले भी आ गए इनको पूछने के लिए। तो टिप्सन दादा यार, ऐसा नजारा मैंने तो कभी नहीं देखा, आपने कभी देखा है क्या? अरे भाई रुपए हीरो, मैंने तो पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा यार। मेरे को तो बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, शायद कोई भी जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, अब क्या होगा। अरे टिप्सन दादा, आप मेरे पे भरोसा रखो, मैं सबको बचा लूंगा यार, क्योंकि मेरे को एक आइडिया आया है। मैं सबको है ना जो उस गुफा के अंदर लेके जाऊंगा। लेकिन रुपए हीरो, मेरे को तो ये कुछ और ही लग रहा है, मेरे को तो ये तूफान नहीं लग रहा है, मेरे को कोई बचा लो यार। मैं तो सर पकड़ के रो रहा हूँ यार, मैं तो भागने तो फटाफट यार, कहाँ पे जाऊंगा मैं भाग कर भी। रुपए हीरो, मेरे को तो इसकी आवाज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, पता नहीं ये कौन सा राक्षस है यार, मेरे को बचा
बचा लो, कोई तो यार बचा लो। तो गेमर यार टिप्सन दादा तो बहुत ज्यादा इस तूफान से डरे हुए हैं, पता नहीं क्या होगा उनका। तो मैं फटाफट गुफा के अंदर सबसे पहले फौजियों को और पुलिस ऑफिसर को सुरक्षित करके आता हूँ यार। तो फटाफट मैं चलता हूँ यार, इसकी आवाज से तो मुझे भी डर लग रहा है यार, पता नहीं क्या होगा इस शहर का। अब इसको बचाने के लिए केवल मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये देखो चारों तरफ तबाही मची हुई है यार, इतनी खतरनाक आवाज तो मैंने भी पहले कभी नहीं सुनी। इस वॉच टावर में पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं देखो यहाँ पे फौजियों को तो लेके आ गया हूँ। हाँ सभी के सभी फौजी मेरे पीछे पीछे आ जाओ, ये जगह सुरक्षित है। अगर इसमें पानी भी नहीं आएगा और कोई तूफान भी नहीं आएगा, जल्दी से मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ यार, सबके सब यहीं पर सुरक्षित हो सकते हो तुम सबके सब। तो गेमर यार देखो फौजी मेरे पीछे पीछे आ गए हो और यहाँ पर ये छुपने के लिए सबसे अच्छी जगह है तूफान के बचने के लिए। तो फौजी तो मेरे पीछे पीछे आ गए, लेकिन पुलिस वालों यार तुम इसके अंदर मत आओ यार, क्योंकि हमें तो बाहर जाकर लोगों की रक्षा करनी है। अगर हम ही छुप जाएंगे तो फिर लोगों की रक्षा कौन करेगा भला। तो फटाफट मेरे पीछे पीछे आओ और हमें लोगों को भी इस गुफा के बारे में बताना पड़ेगा और उनको भी इस गुफा के अंदर लेकर आना पड़ेगा। तो फटाफट तुम नीचे उतरो और मेरे को दो ये कार, मैं फटाफट लोगों को बता के आता हूँ सॉरी इसके लिए। तो फटाफट मैं जा रहा हूँ और यार लोगों को बताना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि यार ये तूफान आ कहाँ से रहा है यार, इतना खतरनाक, और ये कितनी तबाही मचा सकता है। तो मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा और कहीं ऊंचे स्थान पर जाके देखना पड़ेगा, शायद कोई राक्षस दिख जाए तो मैं उसे तोप से उड़ा दूंगा यार। तो फटाफट मैं यार सबसे ऊंचे स्थान पर चलता हूँ। हाँ यार ये देखो नदी भी है ना जो गहरी होती जा रही है धीरे धीरे, पता नहीं क्या होगा। तो अभी मैं फटाफट से इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और देखता हूँ कि कोई राक्षस दिखता है क्या मेरे को, अगर दिखेगा तो मैं उसको वहीं पर मार दूंगा, गाड़ दूंगा यार। तो गेमर यार रुपे हीरो ऊपर आ गया है, लेकिन यार काले बादलों के अलावा रुपे हीरो को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो गेमर अभी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या रुपे हीरो लोगों को बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है। तब तक के लिए बाय बाय गेमर, टाटा।